ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अंधविश्वास का चीरहरण इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के अंदर भाषा विभाग, पुरातत्व विभाग, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट और लैंग्वेज डिपार्टमेंट दोनों ने हलफनामा दे रखा कि रामायण महाभारत का देश के अंदर कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। अब बताइए वो मैंने नकारा या सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देने वालों ने नकारा। तो आप भी जिस पार्टी में थे कभी आप भी श्री राम के नारे लगाते थे? मैंने कभी जिंदगी में मंदिर नहीं गया श्री राम का नारा लगाया। मैं तो भूले साहब का अनुयायी हूं और मैं जो है ना गौतम बुद्ध की विचारधारा से अभी भी मेरी मतलब जो है ना विपसना के अंदर से लौट के आया। मैं कभी अडंबर में धर्म क्या है जो सबके लिए बराबरी दर्ज करता हो, सबका सम्मान करता हो, सबके कल्याण का और मंगलमय होने का की कामना करता हो, वो है इंसानियत धर्म। जो गौतम बुद्ध ने दुनिया को पंचशील दी, विश्व के 80 मुल्कों में आज गौतम बुद्ध को माना जाता है। हमारे देश का प्रधानमंत्री जाता है मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, वहां राम श्याम की धरती क्यों नहीं कहता? हमारे देश के अंदर पंचशील जो थी वो विश्व के 80 कंट्री मान रहे हैं। चोरी, झूठ, नशा, अनैतिक व्यभिचार, बिना वजह हत्या, इन पांच दुष्कर्मों को छोड़कर मानव कल्याण के लिए जो आदमी काम करे उसे लोगों ने जीते जी महापुरुष और मरने के बाद उसे भगवान मान लिया। ऐसे ही कबीरदास हैं, ऐसे रविदास हैं, ऐसे गुरु नानक देव हैं, ऐसे गुरु गोविंद सिंह हैं, ऐसे ही सोक्रेटिस हैं, ऐसे ईसा मसीह हैं, ऐसे मोहम्मद पैगंबर साहब हैं। जितने भी भगवानों को मान रहे वो सब इंसान हुए। अगर ये इंसान हुए तो इनका भी इतिहास होना चाहिए था। तो इसलिए हमारा मानना है कि हम ऐतिहासिक तथ्यों के ऊपर बात करें और इस देश की गरीबी का मूल कारण है अंधविश्वास।